नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम जिस ऐतिहासिक शख्सियत की बात करेंगे, उन्हें इतिहास पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानता है। प्राचीन समय से ही भारत का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कई साम्राज्य हुए, जिन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाते हुए यहां खुद को स्थापित करने की कोशिश की। इस कारण समय समय पर नए साम्राज्य बनते रहे और पुरानों का पतन होता रहा। इस कोशिश में निर्णायक लड़ाइयां भी होती रही। इनमें कुछ काल के गाल में समा गई तो कुछ को इतिहास के पन्नों में जगह मिली। तराइन की लड़ाई उन्हीं में से एक है। यह लड़ाई कुछ युद्धों की एक श्रृंखला है जो 1191 और 1192 में लड़े गए। मुख्यतः आखिरी के दो युद्ध ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि इसे भारतीय इतिहास की बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इसलिए इसके पहलुओं को जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। मोहम्मद गोरी ने ईरान पर कब्जा करने के बाद भारत पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पूर्वी ईरान से मोहम्मद गोरी ने भारत में अपनी फौज के साथ चढ़ाई की और भारत की जमीन पर कब्जा जमाने का सिलसिला शुरू कर दिया। 1175 ईस्वी के आसपास वह मुल्तान समेत लगभग पूरे सिंध पर कब्जा करने में सफल रहा। हालांकि उसका मन इससे भी नहीं भरा तो वह आगे बढ़ा और 1186 में पंजाब पर हमला कर दिया। उसके बाद भी उसने रुकने का नाम नहीं लिया। कई प्रांतों में कब्जा जमाने के बाद मोहम्मद गोरी के कदम पंजाब के भटिंडा की जमीन पर जा पहुंचे, जो पृथ्वीराज चौहान की सत्ता में आता था। भटिंडा किले को फतेह करने की मंशा से गोरी ने वहां पर चढ़ाई शुरू कर दी। पृथ्वीराज ने उसके इस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया। 1191 में उन्होंने तराइन में गोरी से दो दो हाथ किए और उसे खदेड़ दिया। क्योंकि यह युद्ध हरियाणा के एक छोटे से शहर तराइन में लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध को तराइन की पहली लड़ाई का नाम दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की सेना से हारने के बाद मोहम्मद गोरी की हर जगह किरकिरी हुई। वह किसी भी तरह तराइन को फतेह करना चाहता था। हर दिन तराइन को फतेह करने के लिए उसने दूसरी लड़ाई शुरू करने के लिए मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। इसी कोशिश में पहली तराइन की लड़ाई में हारने के बाद मोहम्मद गोरी पूरे एक साल अपने परिवार से नहीं मिला था। असल में वह दूसरी लड़ाई की तैयारियों में जुटा था। उसके सिर पर तराइन को फतेह करने का भूत सवार हो गया था। आखिर एक साल तक कड़ी रणनीति बनाने के बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपने लश्कर के साथ हरियाणा के तराइन शहर की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। वहीं पृथ्वीराज चौहान को गोरी सेना द्वारा किए जा रहे हमले की तैयारियों की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उन्होंने कुशल रणनीति बनाते हुए महत्वपूर्ण रास्तों को बंद कर दिया ताकि गोरी सेना अचानक से तराइन में हमला न कर सके। पृथ्वीराज चौहान को इस बात का अंदेशा हो चला था कि मोहम्मद गोरी पूरी तैयारियों के साथ तराइन में हमला करने की नीयत से घुसा आ रहा है। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार महत्वपूर्ण मार्गों पर आवागमन को बंद कर दिया ताकि उसकी सेना को कुछ समय के लिए रोका जा सके। ऐसा करने से उन्हें दुश्मन के खिलाफ रणनीति बनाने का मौका मिल जाएगा। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने एक बार फिर से तराइन में चढ़ाई कर दी। उसने हजारों सैनिकों की मदद से पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को घेर लिया। बावजूद उसके, पृथ्वीराज के नेतृत्व में उसकी सेना ने मोहम्मद गोरी का डटकर मुकाबला किया। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी की फौज में 100,000 फौजी थे, वहीं 20,000 लड़ाकों के साथ पृथ्वीराज चौहान मैदान में आ डटा था। कुल मिलाकर उसकी सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना से बहुत ज्यादा थी। इस कारण वह अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहा। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के साथ उसका डटकर मुकाबला किया। वह बात और है कि अंत में वह अपनी हार को टाल नहीं सके। यही नहीं, पृथ्वीराज चौहान बंधक तक बन गए। बंधक बनाते ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सलाखें घुसा दी और उनकी आंखों को जला दिया और कई अमानवीय यातनाएं भी दी। अंततः मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला कर लिया। वह तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। मित्र चंद्रप्रदाय की इन पंक्तियों ने अंतिम समय में पृथ्वीराज चौहान में एक और जान फूंकी
और वह मोहम्मद गोरी को मारने में कामयाब रहे। हुआ यूं था कि इससे पहले कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को मार डालता, राजकवि चंद्रप्रदाई ने गोरी को पृथ्वीराज की यह खूबी बताई थी कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर हैं। वह आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं। यह बात सुन मोहम्मद गोरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप वह मारा गया। गौरी के मारे जाने के बाद उसकी सेना से बचने के लिए चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे के पेट में कटार भोंककर आत्म बलिदान कर दिया। बताते चले कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पहले ही युद्धों में 16 बार धूल चटाई थी, लेकिन हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। और यही गलती पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को भुगतनी पड़ी। 17वीं बार भी वह पृथ्वीराज को नहीं हरा पाते अगर उनके ससुर राजा जयचंद ने उनसे दुश्मनी निभाते हुए गोरी का साथ न दिया होता। असल में पृथ्वीराज ने राजा जयचंद के खिलाफ जाकर उनकी बेटी संयोगिता को भगाकर उनसे विवाह कर लिया था। इस बात से वह बहुत आहत थे और किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज को मारना चाहते थे। गोरी से हाथ मिलाने से वह अपनी योजना में सफल ही रहे, किंतु इस कारण उन्हें अपनी बेटी और अपने दामाद की जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने सती होकर अपना जीवन खत्म कर लिया था। तभी से गद्दारों के प्रतीक के रूप में जयचंद का नाम कुख्यात हो गया। जयचंद को गद्दार का पर्यायवाची माना जाता है। इस तराइन के युद्ध और पृथ्वीराज चौहान की हार के बारे में और जयचंद की गद्दारी के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीर गाथाओं के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।